यू आर। अब यू आर की कंट्रेक्शन है योर, बिल्कुल उसी तरह जैसे कहते हैं ना इज दिस योर बुक, उसी तरह आप बोलेंगे योर। सो योर माई फ्रेंड, योर माई स्टूडेंट। और अगर यहां पे मैं कोई वर्ब यूज करना चाहूंगा तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी योर लर्निंग इंग्लिश, योर राइटिंग अ लेटर, आप खत लिख रहे हैं, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यूव बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अभी आई पढ़ा, यूव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। नेक्स्ट इज यू हैव। जैसा कि अभी मैंने बताया कि यू हैव जो है हमने अभी आई हैव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म यूज की, इसी तरह यू हैव की कंट्रेक्शन है यूव एंड देन यू विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यूव अटेंडेड द क्लास, आप क्लास अटेंड कर चुके हैं। यूव कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट, आप ये असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद है यू विल, यू विल की कंट्रेक्शन है यूल, रिपीट कीजिएगा यूल। यूल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यू विल कम टुमारो, अंडरस्टैंड, आप कल आएंगे, समझे। यू विल नॉट डू दैट, आप ऐसा नहीं करेंगे, ये फ्यूचर टेंस है। उसके बाद है यूड, जैसे कि आपने कहा आईड लाइक, इसी तरह होगा यूड। यूड लाइक टू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे। यूड लाइक टू बिकम माई फ्रेंड, क्या आप मेरा दोस्त बनना चाहेंगे। सो यूड लाइक के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आगे चलते हैं हीस। हीस, अब देखें हीस का मतलब ही हैज भी है, ही इज भी है, यानी ही इज और ही हैज के लिए हमारे पास एक ही कंट्रेक्शन है जो कि है हीस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ही इज है या ही हैज है, इसके लिए आपको यह देखना होगा कि इसके बाद जो वर्ब यूज हो रहा है वो उस वर्ब की कौन सी फॉर्म है। अगर तो आप आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं तो फिर ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसको हम कहेंगे ही इज, फॉर एग्जाम्पल ही इज कमिंग, सो इट इज ही इज कमिंग, ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज गोइंग टू कराची। लेकिन अगर इसके बाद आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो ये ही हैज होगा, ही इज गॉन टू कराची, ही इज गॉन टू इस्लामाबाद, ही इज कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। थर्ड फॉर्म होगी तो ये ही हैज होगा, आईएनजी फॉर्म होगी या सिंगल कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, सो दैट इज ही इज। ही विल, ही विल की कंट्रेक्शन है हील, जैसे कि आप वो चप्पल की हील कहते हैं ना, उसी तरह से हील, फ्यूचर टेंस, ही विल नॉट डू दिस, आई नो, वो ऐसा नहीं करेगा, मैं जानता हूं। ही विल नॉट टेल अ लाई विथ यू, वो आपके साथ झूठ नहीं बोलेगा। ही'ल नॉट कम एट 10 o'clock, वो 10 बजे नहीं आएगा। नेक्स्ट इज हीड, हीड इज ही वुड, फिर वही बात, यानी आप अपनी ख्वाहिश के इजहार के लिए, अपनी पसंद के लिए इसे यूज कर सकते हैं। हीड लाइक, हीड लाइक टू ड्रिंक वॉटर, वो पानी पीना चाहेगा। हीड लाइक टू टॉक टू मी फर्स्ट, वो पहले मुझसे बात करना चाहेगा। He'd like to eat a chocolate. वो चॉकलेट खाना चाहेगा। She is, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि आपने he's, he'll और he'd किया, हमारे पास है she's, she'll and she. So this is she's. Again, ing form, so it is she is. And if there is third form, then it is she has. So she's coming. She's come. She's going. वो जा रही है. She's gone. वो जा चुकी है. She is arriving, वो पहुंच रही है। She is arrived, वो पहुंच चुकी है। She'll, future tense. I think she'll not come, मेरा ख्याल है वो नहीं आएगी। She'll do that, वो ऐसा करेगी। She'd, दोबारा फिर ख्वाहिश के इजहार के लिए, She'd like to visit the museum, वो म्यूजियम जाना चाहेगी। She'd like to go to the zoo first, वो पहले चिड़ियाघर जाना चाहेगी। It's, बिल्कुल इसी तरह अगर इट्स के बाद आईएनजी फॉर्म है तो इसका मतलब है कि ये इट इज है, और अगर इट्स के बाद थर्ड फॉर्म है तो ये इट हैज है। बहुत आम सी मिसाल है, आप कहते हैं इट इज रेनिंग, सो कंट्रैक्शन में आएगा इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। इट्स रेन्ड, बारिश हो चुकी है। इटिल, इटिल फ्यूचर टेंस है, इट विल, सो इसका सेंटेंस आप बनाएंगे इट विल बी अ वेरी गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा ख्याल होगा। इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा होगा। इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे।
वी आ की कंट्रेक्शन है वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं. वी आर इन लाहौर, हम लाहौर में हैं. वी हैव इसकी कंट्रेक्शन है वीव, और उसी तरह आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. वीव डन दैट, हम ये कर चुके हैं. वीव पास द एग्जाम, हम इम्तहान पास कर चुके हैं. वी विल, इसकी कंट्रेक्शन है व्हील. अब ये बिल्कुल उसी तरह जैसा कहते हैं ना पहिया, पहिए को भी आप व्हील कहते हैं, उसी तरह आप इसको भी व्हील कहेंगे. सो दिस इज व्हील. वील नॉट कम टुमारो, हम कल नहीं आएंगे. वील नॉट लर्न स्पेनिश, हम स्पेनिश नहीं सीखेंगे. वील नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग विथ यू, हम आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे. वीट, अब देखिए अगर वीट के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो ये है वी हैड. फॉर एग्जाम्पल वीट गॉन, वी हैड गॉन. वीट अराइव्ड, वी हैड अराइव्ड, हम आ चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस. वीट गॉन, हम जा चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस. लेकिन अगर इसके बाद आप लाइक यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म, तो फिर ये क्या होगा, वुड लाइक. सो वीट लाइक टू ड्रिंक कॉफी, हम कॉफी पीना चाहेंगे. We'd like to go to Islamabad first. हम पहले इस्लामाबाद जाना चाहेंगे. They are को आप प्रोनाउंस करेंगे there, जैसे कहते हैं ना there, वहां पर. So ये है there. They're learning English. वो English सीख रहे हैं. They're in London. वो London में हैं. They're coming back to Lahore. वो Lahore वापस आ रहे हैं. They've, again they've, third form, present perfect tense. They've won the match. वो मैच जीत चुके हैं. They've achieved their target. वो अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं. Present perfect tense, third form. They'll, future tense, first form. मैंने पहले भी बताया आपके लर्निंग गोल्स दो हैं. Number one, how to pronounce the contractions. Number two, how to use them in your sentence. They'll not help you. वो आपकी मदद नहीं करेंगे. They'll come here, I'm sure. वो यहां आएंगे, मुझे यकीन है. They'd, so they'd के बाद आप like use करेंगे. They'd like to go to the cinema. वो cinema जाना चाहेंगे. They'd like to go to a restaurant. वो restaurant में जाना चाहेंगे. आइए अब हम नेगेटिव कंट्रैक्शंस को स्टडी करते हैं. नेगेटिव कंट्रैक्शन क्या है, जो नॉट के साथ मिलके बनाई जाए, जैसा कि इज नॉट, आर नॉट एंड सो ऑन. सो इजंट एंड आर्ट इज एक्चुअली नेगेटिव कंट्रैक्शन. शॉर्ट फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म है आर नॉट. आर नॉट की कंट्रैक्शन को आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, आमतौर पर जो जवाब मिलता है वो होता है आरंट. देखिए इट्स नॉट आरंट, पहले बता चुका हूं एक्सेंट रिडक्शन में कि आर जो है वो बहुत साइलेंट होगा, म्यूट होगा. सो दिस इज aren't. So, इसके बाद अगर आप ing form use करते हैं, this is present continuous. और अगर आप कोई object use करते हैं, तो simple present. We aren't teaching science. हम science नहीं पढ़ा रहे हैं. We aren't at home. हम घर पर नहीं हैं. Can't. देखिए can जो है वो आपकी ability को show करता है. Ability of doing something. कि क्या आप कुछ कर सकते हैं. अगर मैं कहता हूँ I can speak English. मैं English बोल सकता हूँ. ये मेरी ability है. अगर मैं कहता हूं आई कांट स्पीक जैपनीज, मैं जैपनीज नहीं बोल सकता हूं, इसका मतलब है कि मुझ में ये एबिलिटी नहीं है. तो जब भी आप एबिलिटी की बात करेंगे उसमें आप कैन, और जब आप किसी चीज की बात करेंगे जो एबिलिटी आप में नहीं है उसके लिए आप कांट यूज करेंगे, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी. आई कांट गो विथ यू, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूं. आई कांट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता हूं. कांट, अमेरिकन इंग्लिश में इसे कैंट प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन आप इसे कांट प्रोनाउंस करेंगे. कुडंट, couldn't actually can't का past है. Past में आप इसे couldn't pronounce करेंगे. I couldn't do that yesterday. कल मैं ऐसा नहीं कर सका, या कल मैं ऐसा नहीं कर सकता था. मिसाल के तौर पे आप कहते हैं I'm really sorry. Last week I could not help you. Or I'm very sorry. Last week I couldn't help you. माफी चाहता हूँ, पिछले हफ्ते मैं आपकी मदद नहीं कर सका. या माफी चाहता हूं, पिछले हफ्ते मैं आपकी मदद नहीं कर सकता था.